हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु क्रिएशन अकेडमी। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो सेकंड जो मेजरमेंट ऑफ हम लोग बात कर रहे थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसमें हम लोग डिग्री सिस्टम में डिग्री सिस्टम के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम लोग सेकंड वाला पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेड सिस्टम एंड देन सर्कुलर और रेडियन सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या करते हैं ना, जिस तरह पिछले क्लास में देखे थे कि एक राइट एंगल को उसमें क्या था, एक राइट एंगल को डिग्री सिस्टम में एक राइट ये राइट एंगल है। ओके, उसमें हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, तो उसको हम बोलते थे डिग्री सिस्टम। यहाँ पर क्या किया जाता है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब एक राइट एंगल को हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ओके, 100 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो वन पार्ट जो आएगा उसको हम बोलेंगे वन ग्रेड। ओके, वन पार्ट को हम क्या बोल देंगे, वन ग्रेड बोल देंगे। ठीक है, तो सिंपल वैसे ही है जैसे पहले था, लेकिन वहां पर 90 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, यहाँ पे 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि है ना, वन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वन ग्रेड बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली वन और ग्रेड को जनरली जी ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना है ना, वन राइट एंगल इक्वल टू कितना पार्ट में डिवाइड किया हम लोग, 100 पार्ट्स, यानी वन पार्ट इक्वल वन ग्रेड, तो 100 पार्ट इक्वल क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड हो जाएगा। यानी वन राइट एंगल में कितना ग्रेड, 100 ग्रेड होता है। ओके, तो इस तरीके से। और सिमिलरली इसको जो है हम लोग फिर से छोटा करेंगे, जैसा कि वहाँ पे डिग्री के बाद है ना मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पर भी मिनट और सेकंड ही बोला जाता है, लेकिन लेकिन हम लोग यहाँ पे जो ग्रेड सिस्टम है मिनट और सेकंड को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से वन ग्रेड को, वन ग्रेड जो आया है ना, वन ग्रेड जूम करके देखेंगे ऐसा दिखेगा कि वन ग्रेड है, इसको फिर से 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसमें 60 पार्ट में डिवाइड करते थे, यहाँ पर फिर से 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग फिर से क्या बोल सकते हैं कि जो वन ग्रेड है, वन ग्रेड वो 100 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी 100 मिनट के बराबर, इसमें भी मिनट ही बोलते हैं है ना, वन ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। और फिर से एक मिनट जो आएगा उसको हम फिर से क्या कर लेंगे, वन मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। ओके, मतलब 100 100 में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और अभी इसका यूज़ नहीं होता जनरली, ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। ओके, रेडियन और सर्कुलर दोनों बोला जाता है इसको। बेसिकली ग्रेड सिस्टम जैसा भी हम बात की, उसमें क्या है कि एक राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, और फिर एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं वन ग्रेड, वन ग्रेड को फिर से 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, और फिर से मिनट को हम लोग डिवाइड करेंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। तो जैसा हम लोग क्वेश्चन किए थे डिग्री सिस्टम में, उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वैसे ही करना है। उसमें सिर्फ 60 था और यहाँ पे अब 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब बात करता हूँ रेडियन और सर्कुलर सिस्टम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना भी है। ओके, तो इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला तरीका तो वो है, हाँ, अभी जो जिस तरह डिवाइड करते थे वैसे ही, यानी फिर से हम लोग एक राइट एंगल ले लेंगे, ठीक है, और ये राइट एंगल हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से उसमें हम लोग 100 डिग्री में 90 पार्ट में डिवाइड करते थे और ग्रेड में 100 पार्ट में डिवाइड करते थे, इसमें जो है पाई बाय 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पाई बाय 2 इक्वल पार्ट्स है ना, पाई बाय 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, पाई बाय 2 मतलब पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 होता है लगभग में, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 1.57 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, यानी 1.57 भाग में डिवाइड करते हैं, लगभग डेढ़ टाइम्स बोल सकते हो, 1.5 टाइम्स लगभग बोल सकते हो। पहले हम लोग है ना कितना 190 पार्ट में डिवाइड करते थे, 100 पार्ट में डिवाइड करते थे, 90 में छोटा 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 हो गया, लेकिन अभी बोलेंगे 1.5 पार्ट में डिवाइड करो, 1.57 है तो 1.5 मान के चलते हम लोग लगभग, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए 1.5 बोल रहे हैं, 1.5 मीन्स 1 पार्ट इधर और 0.5 पार्ट इधर हो गया है ना, आधा पार्ट इधर एक पार्ट इधर हो गया। ओके, तो ये जो पार्ट है ना, एक पार्ट जो आएगा है ना, एक पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे,
वन रेडियन बोल देंगे, है ना। ये अजीब सा समझने में आएगा, पाई बाई टू इक्वल पास का मतलब क्या है, पाई का वैल्यू 3.14 है, टू से डिवाइड करेंगे 1.57, मतलब इस राइट एंगल को डेढ़ भाग में डिवाइड कर दो, डेढ़ भाग में, है ना, 1.57, है ना, पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब वन पार्ट इधर हो गया और 0.57 पार्ट्स इधर हो गया, ऐसा बोल सकते हो। तो वन पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, वो जो है एक रेडियन कहलाएगा। एक रेडियन जो है वो, है ना, एक डिग्री जैसा नहीं है, बल्कि एक रेडियन लगभग 60 डिग्री के आसपास होना चाहिए, है ना, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि जब हम लोग वन राइट एंगल को, वन राइट एंगल, वन पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा, वन राइट एंगल कितना पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं, वन राइट एंगल को पाई बाय टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पाई बाय टू इक्वल पार्ट्स में, पाई बाय टू पार्ट्स लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। तो पाई बाय, और एक पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वन पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं, वन रेडियन, ओके, और रेडियन को हम लोग वन, है ना, इसको सर्कुलर सिस्टम इसलिए सी से भी दिखाया जाता है, ठीक है। रेडियन को सिंपली आर रेडियो भी लिख सकते हैं और ये वन पावर सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वन पार्टिकल वन रेडियन हो गया, तो राइट एंगल में कितना रेडियन हो जाएगा, तब पाई बाय टू पार्ट से, एक पार्ट में एक रेडियन, दो पार्ट में दो रेडियन, पाई बाय टू पार्ट से पाई बाय टू रेडियन, यानी पाई बाय टू रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय टू रेडियन, ठीक है। तो कभी कभी ये सी नहीं भी लिखा रहेगा, सिर्फ पाई के टर्म्स में कहीं रहेगा, तब भी हम लोग को समझ जाना है कि ये जो है रेडियन सिस्टम ही है, ओके, रेडियन में ही एंगल को दिया हुआ है, पाई बाय टू, वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय टू रेडियन, ओके। और ठीक, तो ये एक तरीका है डिफाइन करने का, ओके। दूसरा तरीका भी हम लोग सीखेंगे, है ना, और भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका हम लोग, ये सेकंड मेथड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में हम लोग रेडियन और सर्कुलर सिस्टम, मतलब एक रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली बोलता है कि मान लो एक सर्किल ले लो, ऐसा ये सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल बना लिए और इसका रेडियस है सपोज आर, ओके, ये आर रेडियस का एक सर्किल है ना, और मान लो, है ना, पॉइंट ए से, है ना, ए से हम लोग ये सेंटर हो गया ओ, है ना, ये पॉइंट ए मान लिया, इसका रेडियस है आर, ये है ना, ये मान लो ऐसा रे है, इसको हम लोग बोल रहे हैं फिक्स्ड रे, है ना, मान लेते ये फिक्स्ड रे है, ठीक है, अच्छा यहाँ फिक्स्ड रे को ऐसा मान लेते, चलो ये हो गया फिक्स्ड रे, ठीक है, ये रे बना दिए, फिक्स्ड रे हो गया, और एक रिवॉल्विंग रे बनाएंगे, रिवॉल्विंग रे, है ना, रिवॉल्विंग रे मान लो यहाँ है ऐसा, ठीक है, ऐसा बना ली, ये रिवॉल्विंग रे हो गया, क्या इसका भी रेडियस आर ही होगा, हाँ ये लेंथ आर है तो ये भी आर ही होगा क्योंकि रेडियस है। और ये जो है मान लो कोई कोई, है ना, कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी तक गया, तो जो एंगल बना है ना, कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, ओके। और ये जो है, ये सर्किल में जो है ना ए से बी तक का जो लेंथ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क, ओके, या आर्क लेंथ, ये जो लेंथ है आर्क लेंथ बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जनरली एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आर्क लेंथ यहाँ पर हो गया एल, रेडियस हो गया आर, ओके। अभी क्या बोल रहे हैं कि, है ना, यहाँ पे एंगल जो है कुछ भी हो सकता है थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर्क लेंथ जो है वो एल है, ये आर्क लेंथ हो गया, है ना। तो एक रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन, है ना, डिफाइन कैसे करते हैं व्हेन, है ना, ये जो लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है एल, वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, तब जो थीटा होगा, देन थीटा जो है होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वन रेडियन, वन रेडियन बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं एक बार कि यदि सपोज रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाए, ओके, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाए, तब जो यहाँ एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वन रेडियन बोल देंगे, ठीक है। ये जनरल हम लोग, है ना, ऐसा भी कहीं भी हो सकता था, मान लो ये, है ना, सेंटर हो गया, पॉइंट, है ना, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, है ना, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एल हो गया, ये आर हो गया, क्या अभी एल और आर बराबर होगा, क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ये एल और आर बराबर नहीं होगा, लेकिन तब यहाँ थीटा का वैल्यू वन रेडियन नहीं होगा, थीटा का वैल्यू कुछ और होगा, वन से ज्यादा होगा, टू रेडियन, थ्री रेडियन हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि जब जब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाए, ये लेंथ बराबर, ये फिक्स है मान लो, इधर वाला फिक्स है, ठीक है, ये लेंथ को बराबर करना है इसके, तो इसको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाए। तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम लोग, क्या, कि जब आर्क लेंथ, आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये लेंथ
ये लेंथ और ये लेंथ लगभग क्या है, बराबर ही होगा, तो है ना एग्जैक्टली हम लोग बराबर ले लेते हैं। जब आर के बराबर ले लेते हैं तब जो यहाँ एंगल बनेगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, 1 रेडियन। ओके, 1 रेडियन के बराबर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हेन एल इक्वल टू आर देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। तो हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं सर्कुलर सिस्टम को, 1 रेडियन को। पहला कि राइट एंगल को जब पाई बाई टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। तो राइट एंगल में है ना पाई बाई टू इक्वल पार्ट्स है, ठीक है, तो एक राइट एंगल में कितना हो जाएगा, पाई बाई टू रेडियन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि यदि हम लोग बात करते हैं क्या थीटा, जब आर्क लेंथ और सॉरी रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल हो जाएगा तब जो एंगल बनेगा सेंटर पे, सेंटर सर्किल के सेंटर पे, उसको हम लोग बोल देंगे 1 रेडियन, ठीक है। और यहाँ से एक रिलेशन भी हम निकाल लेते हैं थीटा एल और आर में, थीटा एल और आर में क्या रिलेशन होगा, यदि एल और आर बराबर ना हो, एल और आर बराबर ना हो तब थीटा कितना होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, मान लो व्हेन आर्क लेंथ इज, आर्क लेंथ इज आर देन एंगल थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। व्हेन आर्क लेंथ इज आर, यदि आर्क लेंथ आर हो जाए तब जो एंगल बनेगा यहाँ पे, आर्क लेंथ जो है रेडियस के बराबर हो जाए, है ना, आर्क लेंथ को आर बोल रहे हैं, तब जो है यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन। सिमिलरली व्हेन आर्क लेंथ इज यूनिट 1 कर देते हैं ना, देन एंगल क्या हो जाएगा, तब ये आर जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1 बाय आर रेडियन। ओके, यदि आर्क लेंथ को यूनिट कर देंगे 1 मीटर या यूनिट लेंथ कर देंगे तो आर जाएगा उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर से व्हेन आर्क लेंथ को सिंपली जनरल एल लिख देंगे तो एल से इंटू हो जाएगा इसमें, तो जो एंगल बनेगा थीटा, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एल से इंटू हो जाएगा, तो एल बाय आर रेडियन। ओके, ये हो गया थीटा और एल और आर में रिलेशन हो गया, थीटा इक्वल टू एल बाय आर इन जनरल, है ना, रेडियन नहीं भी लिखते हैं, है ना, थीटा इक्वल टू सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा इक्वल हो जाएगा एल बाय आर। और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल इन रेडियन, थीटा हमें एंगल जो है हमेशा किसमें होगा, ये रेडियन में होगा, ठीक है। और एल और आर क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, एल मतलब लेंथ हो गया, लेंथ आर्क लेंथ हो गया और आर हो गया रेडियस, यदि सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, और थीटा हमेशा किसमें होगा, रेडियन में होगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं वन राइट एंगल है ना इक्वल टू इन डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम क्या होता है, इन डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम में क्या होता है, वन राइट एंगल इक्वल क्या होता है, 90 डिग्री, वन राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री। सिमिलरली इन ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम वन राइट एंगल क्या हो गया, कितना ग्रेड, 100 ग्रेड, है ना, अभी देखे थे 100 पार्ट में डिवाइड करते उसमें, ठीक है। और इन इन सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम वन राइट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय टू रेडियन। ओके, तो यहां से हम लोग क्या सकते, सब वन राइट एंगल का ही वैल्यू है, तीनों के इक्वेट कर देंगे तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री है वही इक्वल हो जाएगा 100 ग्रेड का और वही इक्वल हो जाएगा पाई बाय टू रेडियन का। ओके, और जस्ट द टू से इंटू कर लेते हैं हम लोग, तो जनरल लिखते हैं 180 डिग्री, इधर हो जाएगा 200 ग्रेड, इधर हो जाएगा पाई रेडियन। तो ये रिलेशन हो गया, है ना, डिग्री ग्रेड और रेडियन सिस्टम में, ठीक है। लेकिन हम लोग मेनली बात करेंगे डिग्री और ग्रेड का, सॉरी रेडियन का। ओके, इसलिए सिंपली हम लोग रिलेशन बात करें, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सिस्टम, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेना चाहिए, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडियन और डिग्री, क्योंकि हम लोग डिग्री अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना, और रेडियन में भी पढ़ने जाएंगे, रेडियन ही हर जगह यूज होगा, इसलिए ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो 180 डिग्री यहाँ से कर सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, ये रिलेशन हो गया, या पाई रेडियन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 डिग्री, कुछ भी याद रखो एक, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग अभी कन्वर्ट करने क्वेश्चन सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सिस्टम इनटू रेडियन सिस्टम।
यहाँ पे डिग्री डिग्री में दिया हुआ है, ये सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में जाना है। ओके, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 180 डिग्री है ना, हम लोग को याद है ना फॉर्मूला, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री वाला को पहले रखेंगे है ना, और रेडियन वाला को उस साइड रखेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, कभी कभी हम लोग रेडियन जो सी लगा रहे हैं उसको नहीं भी लिखते हैं, तो फिर भी अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 180 रेडियन, यानी जितना भी डिग्री रहेगा, मान लो 2 डिग्री निकालना है तो 2 से इंटू कर लेंगे, 3 डिग्री निकालना है 3 से इंटू कर लेंगे, जितना डिग्री रहेगा उसको क्या करेंगे, पाई बाय 180 से क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 30 इंटू पाई बाय 180। ओके, ये रेडियन में हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स में, यानी पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, 45 डिग्री है तो इसको भी क्या करेंगे, वही है ना, 45 इंटू पाई बाय 180 है ना, देखो ये चार बार में कट जाएगा, यानी पाई बाय 4 रेडियन। उसी तरह इसको भी, जैसे डिग्री को रेडियन करना है, कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 क्या कर लो, इंटू कर लो, तो ये पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। ओके, और 90 डिग्री है तो 90 इंटू पाई बाय 180 है ना, पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, ऐसे भी हम लोग ये जानते भी थे, पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, वन राइट एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर से 120 डिग्री, इसको क्या करेंगे, 120 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, कट गया 3 और ये सॉरी ये 4 टाइम्स में कटेगा, ये 6 टाइम में, फिर 2 से 2 पाई बाय 3 आ गया। 135 है, इसको भी क्या कर लो, फिर से पाई बाय 180। ओके, 135 को पाई बाय 180 से कर लिए। ठीक है, 5 से काटो, 9 से 3 पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, इसको अपने ट्राई करें है ना। फिर 150 डिग्री है तो 150 इंटू पाई बाय 180। ओके, तो ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम, यानी 5 पाई बाय 6 रेडियन। 270 डिग्री है, ठीक है, फिर से क्या करें, 270 इंटू पाई बाय 180, सब में पाई बाय 180 से है ना इंटू कर लिए, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा दिया रहा 22 डिग्री 30 मिनट, मतलब ऐसा क्वेश्चन है 22 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पे प्योरली डिग्री फॉर्म में नहीं है, अब मिनट में आ गया है। ठीक है, मिनट में आ गया, तो इसको क्या करेंगे, फिर से प्योरली डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्योरली डिग्री फॉर्म में, फिर इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करें, सबसे पहले प्योरली डिग्री में लाने के लिए ये मिनट में है, मिनट को किस में ले जाना है, डिग्री में ले जाना है, और मिनट से बड़ा डिग्री होता है। ठीक है, तो बड़ा में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करें, 30 बाय 60 कर लें है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ये भी डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स, यानी 22 होल 1 बाय 2 डिग्री। ओके, इसको फिर इंटू करके लिखेंगे तो 45 बाय 2 डिग्री हो गया, 45 बाय 2 डिग्री हो गया। अब इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये प्योरली डिग्री फॉर्म में आ चुका है, ये सब में इस सब क्वेश्चन में देख सकते थे, प्योरली डिग्री फॉर्म में पहले से ही था, इसलिए हम लोग कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा। इसमें मिनट है ना के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले मिनट को प्योरली डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको हम रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जनरली है ना, तो 45 बाय 2 डिग्री है, अब फिर से वही करना है ना, फिर से 45 बाय 2 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, पाई बाय 180 से क्या कर रहे थे, इंटू कर रहे थे, यानी 45 बाय 2 इंटू पाई बाय 180, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब रेडियन में। ठीक है, ये कितना बार में, 4 बार में गया, तो 5 पाई बाय 8 रेडियन, ये हो गया इसका आंसर। ओके, सिमिलरली ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि मिनट सेकंड में दिया हुआ, अगर मान लो 6 डिग्री 7 मिनट और
30 सेकंड ऐसा दिया हुआ है। तो इस केस में इसको क्या करें, फिर से इसको पहले सेकंड को पहले मिनट में, फिर मिनट को फिर डिग्री में, फिर डिग्री को रेडियन में। ओके, पहले डिग्री प्योरली डिग्री फॉर्म में आएगा तभी तो उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या करेंगे, पहले प्योरली डिग्री फॉर्म में लाएंगे, जो अभी सेकंड में है मिनट में, उसको पहले क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, प्योरली डिग्री में। तो क्या करेंगे, पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले 30 बाय क्या कर लेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये मिनट में आ जाएगा। ओके, मिनट में आ गया, तो है ना, तो ये हो गया 6 degree 7 है ना, होल 1/2 मिनट आ गया। ओके, अब क्या बोल सकते हैं, 6 degree और ये हो गया 15/2 मिनट। अब फिर मिनट को फिर किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो इसको भी क्या कर लो, 60 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लें, तो यानी हो गया 6 degree 6 whole 1/8 डिग्री हो गया। ओके, यानी 49/8 ये डिग्री आ गया, 49/8 डिग्री हो गया। ओके, अब इसको क्या करना है, इस ये प्योरली डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्योरली सॉरी अब रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 49/8 इंटू पाई बाय 180 से क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। ठीक है, यही किस में हो जाएगा, ये रेडियन में। तो अभी ये तो कट नहीं रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ओके, इसको इंटू करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है ना, यदि ये मिनट और सेकंड में है, मिनट और सेकंड में, तो पहले उसको क्या करेंगे, प्योरली डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको पाई बाय 180 से इंटू करके रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन सिस्टम इंटू डिग्री सिस्टम। अब इसमें क्या है, जो रेडियन में दिया हुआ है यहाँ पे है ना, यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ है, तो भी समझ जाना चाहिए कि पाई के टर्म्स में दिया है तो रेडियन दिया होगा। ओके, तो ये जो रेडियन में है उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है, रेडियन वाले को पहले लिखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, लाना है 180 डिग्री टर्म में, इसलिए उसको राइट साइड में रखें, पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। मतलब बहुत ही सिंपल है, इसमें तो बहुत आसान है, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ क्या लिख दो, 180 डिग्री लिख दो बस, और कुछ नहीं। तो जैसे मान लो पाई बाई 2 है, तो इसको जो है क्या कर लेंगे 180, पाई की जगह क्या लिख दिए 180 लिख दिए, बाई 2 यानी कितना हो गया सिंपली 90, यानी ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। बहुत ही सिंपल है, पाई बाई 3 है, क्या करें 180/3 यानी ये डिग्री में हो गया, यानी 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो पाई 4 को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई 4 को लिखते हैं 180/4 है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, पाई बाय 5 180/5 है ना, डिवाइड करके देखो ये डिग्री में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 36 डिग्री आ गया। ओके, पाई बाय 6 को हो गया 180/6 यानी 30 डिग्री, पाई बाय 10 तो 180/10 18 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 8 कितना हो गया 180/8, क्या ये कट रहा है पूरा पूरी है ना, ये हो गया 2 से 4 90, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 45/2 डिग्री आ गया, 45/2 डिग्री आ गया। अब इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, अभी देखे थे 22.5 डिग्री ऐसा तो नहीं लिखेंगे, अभी देखे थे ये डिग्री है। तो अब इसको क्या कर लो, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जाएंगे तो क्या करते हैं, इंटू करते हैं है ना, इंटू करते हैं। तो इसको क्या कर लो 45 है ना, पहले तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो 22 whole 1/2 degree, 22.5 नहीं लिखेंगे बल्कि है ना 22 whole 1/2 ऐसा करके लिख लेंगे। ठीक है, 22 डिग्री बाहर आ गया, और 1/2 को क्या कर लिए 60 से इंटू करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इन 22 degree 30 minute है ना, ये प्योरली मतलब डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट में नहीं लिखते हम लोग एंगल को। ठीक है, सिमिलरली पाई बाय 12 को लिखेंगे 180/12, ठीक है, यानी कितना हो गया ये 15 डिग्री हो गया। 3 पाई बाय 4 तो 3/4 इंटू 180 डिग्री यानी 45 इंटू 3 यानी 135। बहुत ही आसान है, जहाँ जहाँ पाया वहाँ वहाँ क्या कर लो 180 डिग्री रख लो और वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये था रेडियन सिस्टम से डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना। ठीक है, और भी क्वेश्चन हो सकता है जो पाई के टर्म्स में ना हो। ठीक है, जैसे कि
अब ऐसा भी हो सकता है कि बोल देगा क्या, बता 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, रेडियन अभी तो रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करते हैं, अब 1 रेडियन में है ना, 1 रेडियन है ना, ये 11 नंबर है, 10 तक था ना, हाँ 11, 1 रेडियन को आप किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करें है ना, हम लोग जानते हैं सिंस पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल क्या होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल क्या हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री, ऐसा लिख देंगे, ठीक है, बस हो गया। लेकिन अभी बताए थे कि डिग्री में जो है पॉइंट में नहीं लिखते हैं और डिवाइड में भी नहीं लिखते हैं, 45/2 था, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए थे, मिनट में कन्वर्ट कर लिए थे, यहाँ पर भी डिवाइड में दिख रहा है 180 बाय पाई, ओके। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिनट और जरूरत पड़ेगा तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। कैसे करते हैं देखो, तो 180 बाय पाई, 180 पाई का जगह लिख देंगे 22/7, ओके, और 7 जो ऊपर चल जाएगा, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये इतना डिग्री हो गया, ठीक है, काट दो, ठीक है, 2 से कट गया, तो 630/11 डिग्री, है ना। अब डिवाइड में आ गया पाई का वैल्यू, जैसे 22/7 लिख दिए, है ना, तो आ गया पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया हम लोग, ठीक है। अब जो है ये वैल्यू 630/11 डिग्री आया है ना। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो है ना 5 टर्म्स में जाएगा, 11 5 55 8 बचा, 11 7 77 3 बचा, तो 3/11 इतना डिग्री हो चुका है, ठीक है। तो ये डिग्री में अभी भी है लेकिन फ्रैक्शन में आ चुका है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये अलग 3/11, अब इसको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 60 से इंटू कर लेंगे, डिग्री को मिनट में, मिनट छोटा क्वांटिटी छोटा में जाना है तो क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यानी 180 बाय 11 हो गया, ठीक है, 180 बाय 11, ठीक है। और इसको हम लोग यदि करेंगे 180 बाय 11, ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे 180 को, ये कितना 1 टाइम्स में गया तो बचा 7, 6 टाइम्स में गया तो 66, 4 बचा, यानी 16 होल 4 बाय 11, इतना मिनट हो गया, ओके। अब इसको क्या कर लेंगे है ना, इसको बाहर 16 मिनट बाहर, 4 बाय 11 को फिर 60 से इंटू करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 6 यानी 240 के आसपास, ठीक है, 240 हो गया, 57 डिग्री, 16 मिनट, और ये 240 बाय 11, फिर से 240 बाय 11 करेंगे, ये 2 टाइम्स में गया, ठीक है, और ये लगभग फिर से 2 टाइम्स 20 है, 1 टाइम्स में तो 11 आएगा, तो लगभग लगभग 2 टाइम्स के आसपास है, तो इसको हम लोग लगभग 22 मिनट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 1 रेडियन का वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल क्या होता है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, ठीक है। ये मतलब देख सकते हो कि 1 रेडियन लगभग लगभग 60 डिग्री के आसपास है, हम लोग देखे भी थे कि उसको हम लोग 1.5 टाइम्स, 1 राइट एंगल को 1.5 टाइम्स में डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री आता है वन पार्ट, लेकिन 1.57 पार्ट में डिवाइड करना था, इसलिए थोड़ा सा कम वैल्यू आया है, दैट इज 57 डिग्री आया है, ओके। तो हम लोग 2 डिग्री 3 डिग्री कितना भी डिग्री, सॉरी सिमिलरली 2 रेडियन 3 रेडियन 4 रेडियन किसी को भी कन्वर्ट करना रहेगा तो ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। मान लो 2 रेडियन लिखा हुआ है तो 1 रेडियन के लिए इतना हो गया, तो 2 रेडियन में क्या होगा, 2 से इंटू हो जाएगा, और 2 से इंटू करके डिवाइड करते करते ऐसा आ जाएगा, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया इतना, तो 2 रेडियन इक्वल 2 से क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन जनरल इसी मेथड से निकालना ताकि एक्यूरेट वैल्यू आएगा, इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसलिए है ना इंटू करके यहाँ से निकालेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।